हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ मैगी, जो बहुत ही जल्दी से बन जाएगी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। स्पेशली बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है और पैन में 2 छोटे चम्मच तेल डाला है। उसे गरम करने के बाद यहाँ पे बारीक कटा हुआ 1 प्याज डालेंगे और उसे थोड़ा सा चला लेंगे। इसे थोड़ा सा भूनेंगे हम, ताकि इसकी जो हल्की सी स्मेल होती है वो चली जाए। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, बस हल्का सा भूनना है। इसे करीब करीब 1 मिनट तक भूनेंगे और उसके बाद इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज का टमाटर लिया है। बस अब हमें टमाटर को प्याज के साथ पकाना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए, इसके लिए हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल दीजिए। और उसके बाद इसको हल्का सा चला लेंगे। नमक ज़्यादा ना डालें, क्योंकि मैगी के अंदर का जो मसाला होता है ना, उसमें भी नमक होता है, तो थोड़ा ही डालें। और चलाने के बाद इसको हम कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे, ताकि टमाटर एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो ढक्कन ढक के जब हम इसको पकाएंगे ना, तो ये जल्दी से पक जाते हैं। ये देखिए, ये कम से कम 2 मिनट हो गए हैं और टमाटर ऑलमोस्ट पक चुके हैं, अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ले ली है और 1 कटोरी यहाँ पे मैंने हरी मटर ले ली है। ये हरी मटर फ्रोज़न है, अगर आपको फ्रेश लेनी है तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ वेजीज ऐड करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। इन दोनों को डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हम हाई पे कर देंगे, क्योंकि हमें सब्जियाँ ना बहुत ज़्यादा गली हुई नहीं चाहिए, थोड़ी क्रंची सी चाहिए हैं। तो इसको गैस की फ्लेम को हाई पे कर देंगे और इनको हल्का सा चला लेंगे, भून लेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें हम मैगी के 2 पैकेट डाल देंगे। यहाँ पे हम 2 मैगी बनाने वाले हैं, तो मैगी मसाला जो आता है मैगी के अंदर, उसके 2 पैकेट यहाँ पे डाल देंगे और इसको हल्का सा फिर से चला लेंगे, ताकि जो मसाला है ना, वो सब्जियों में अच्छी तरीके से कोट हो जाए। गैस की फ्लेम को यहाँ पे हाई पे ही रखना है, हल्का सा चला लेंगे। इस तरीके से सब्जियाँ फ्राई भी हो जाएंगी और कोट भी हो जाएंगी मसाले के साथ। अब यहाँ पे मैंने 2 कप पानी डाला है। अगर आपको यहाँ पे पानी जो है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पानी चाहिए तो आप ज़्यादा पानी डाल दीजिए, अगर आपको थोड़ी थिक चाहिए मैगी तो आप थोड़ा कम पानी डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे 2 कप पानी डाला है, उसके अकॉर्डिंग ही मैगी बनाइए। अब इस पानी को हम बॉइल करेंगे, फुल पे रखेंगे गैस की फ्लेम को, और जैसे ही उसमें एक हल्का सा उबाला आ जाएगा ना, उसके बाद हम इसमें नूडल्स ऐड कर देंगे, मैगी नूडल्स। इसको मैंने टुकड़ों में तोड़ के डाल दिया है। यहाँ पे 2 नूडल्स डाल दिए हैं तोड़ के, और इसको थोड़ा सा चला देंगे अच्छी तरीके से, ताकि ये मिक्स हो जाए। अब इसमें मैंने कम से कम 75 ग्राम चीज लिया है, उसको ग्रेट करके ले लिया है। यहाँ पे ना चीज़ थोड़ा ज़्यादा लगता है, मतलब जो चीज़ मैगी होती है ना, उसमें चीज़ की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा डालते हैं, तभी उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसमें ढेर सारा चीज़ डालें, इसमें कंजूसी ना करें। बस ये यहाँ पे मैंने चीज़ अच्छी तरीके से ग्रेट कर दिया है, और ये बॉईल हो रहा है ना, तो यहाँ पे चीज़ तुरंत मेल्ट भी हो जाएगा। ये चीज़ की क्वांटिटी, अगर आपको ज़्यादा चीज़ पसंद नहीं है ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हम कम से कम 2 मिनट तक बॉईल करेंगे, ताकि पानी की जो थिकनेस, जो थोड़ा गाढ़ा हो जाए पानी, और मैगी का जो सूप है वो थोड़ा गाढ़ा सा हो जाए और मैगी पक भी जाए साथ ही साथ। साथ ही साथ जो सब्जियां हैं बाकी, वो भी पूरी अच्छे तरीके से बॉईल हो जाएंगी यहाँ पे। ये देखिए, और फुल पे ही रखें गैस को, कम पे नहीं करना है। हल्का हल्का सा चम्मच चलाते रहें बीच बीच में। ये देखिए, ये अच्छी तरीके से बॉईल हो रही है। अब यहाँ पे आपको जितना पानी चाहिए है उतना आप बॉईल कर लीजिए। अगर आपको पानी इसमें ज़्यादा नहीं चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा देर तक बॉईल कर लीजिए। बस यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और इसको मैंने सर्व कर दिया है। ये मैगी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, और बच्चे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं खाने में। तो बनाइए ये मैगी और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कॉमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।